चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है ये। इसमें एक कैपेसिटर है जिसकी एनर्जी स्टोर्ड जिसमें कितनी है 4 जूल है, और उसको एक आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया। आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना। इनिशियली सेकेंड वाला कैपेसिटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक सर। हाँ 2 जूल आएगा क्या, देखते हैं। ठीक है, सेम है। फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, ठीक। चलो तो अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करें बताओ, मेक अ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम व्हेन द कैपेसिटर्स हैव जस्ट बीन कनेक्टेड, अभी जस्ट कनेक्ट किया गया, ठीक। तो जस्ट बीन कनेक्टेड का क्या मतलब है, पहले वाले कैपेसिटर में कुछ एनर्जी था, मान लो उस पे चार्ज था Q और माइनस Q। जो दूसरा वाला जो कैपेसिटेंस है, दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, सी सी, ठीक। दूसरे वाला कैपेसिटर में बोल रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना, उसके प्लेट्स के बीच में, जो सेकेंड वाला कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब दोनों पे चार्ज कितना है, बोलो। अगर दूसरा वाला कैपेसिटर चार्ज होता तो उसके प्लेट्स के बीच में फील्ड होता ना, नहीं समझे, है ना। ये क्या है, सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, क्लियर। यस सर, है ना, क्योंकि अगर वो चार्ज होता तो क्या होता, बिकॉज इफ इट वर चार्ज्ड उसके प्लेट्स के बीच में क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, गुड, देयर वुड हैव बीन अ फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स, है ना, मानते हो कि नहीं, बोलो। तो ये सिचुएशन हमारा कब, ये जस्ट आफ्टर कनेक्शन है। अब क्या होगा, चार्जेस विल फ्लो, ठीक है, फ्लो, है ना, एंड फाइनली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस क्या हो जाएगा, इक्वल, यस, बोथ द कैपेसिटर्स विल बी द सेम, क्लियर। तो मान लेते हैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ है, ठीक है, लेट द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, कुछ चार्जेस फ्लो करेंगे तो मान लो इस पे चार्ज बच गया x, इधर क्या आ जाएगा, माइनस x, और इस पे चार्ज कितना चला गया है, y, और इस पे चार्ज क्या जाएगा, माइनस y। तो हमको पता है, क्या पता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम करो, इक्वेट पोटेंशियल डिफरेंसेस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब सारा चार्ज वार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो, यस, फाइनली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, क्लियर। चलो तो इक्वेट पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो क्या आ गया, एक्स बाई सी इज इक्वल टू वाई बाई सी, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया क्या, सर। अच्छा, अब एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है, क्या, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक। वन मोर थिंग इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, क्या देखना है,
बोलो चार्ज कंजर्वेशन। यस, कैसे देखेंगे जरा, बहुत ही आसान है। चार्ज कंजर्वेशन सिंपल है। क्या करना है, ये जो हमारे पास सिस्टम है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दिखाता हूं मैं आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा है। कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है बताओ, यहां देखो, देख के बताओ। ये या तो लेफ्ट वाला बॉक्स ले लो या राइट वाला बॉक्स ले लो। ये जो सिस्टम है इसका कहीं से कुछ भी कनेक्शन था क्या? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। तो ये क्या है हमारे पास, आइसोलेटेड सिस्टम है क्या? यस सर। तो आइसोलेटेड सिस्टम पे क्या रहेगा, चार्ज कंजर्व्ड रहेगा? हाँ सर। इनिशियली कितना चार्ज था ये बताओ। जीरो था ना? ए, जीरो कहाँ था, मारूंगा झापड़ ना, हर बार जीरो कैसे होगा? क्वेश्चन में एक में जीरो था ना? नहीं, हाँ एक में जीरो था। X था, अभी कितना है? X, Y है, पहले कितना था बताओ जरा इस सिस्टम के ऊपर। Q, Q, Q. यहाँ पे कितना था, देखो, देख के बताओ, ये डायग्राम देख के बताओ। Q, Q. टोटल Q कितना था? Q प्लस जीरो था ना? हाँ, Q था मतलब। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, X प्लस Y इज इक्वल टू Q प्लस जीरो, समझ में आया? हाँ। यानी कि 2x is equal to q, है ना? Yes. इसका मतलब x का वैल्यू क्या आया? q by 2. q by 2. तो एनर्जी क्या होगी, पहले वाली की एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा बोलो? क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बाई 2c कर देते हैं। हाँ। चार्ज कितना है, q स्क्वायर बाई q बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना? तो कितना हो गया बोलो, q स्क्वायर बाई 8c। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा क्या? हाँ, क्योंकि चार्ज भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है। नहीं, हाँ सर सेम है। तो एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर कितना हो गया, उसमें भी सेम चार्ज है? Yes, sir, Q square by 8. तो ये हो जाएगा Q square by 8C. तो टोटल एनर्जी कितने हो गई? Q square by 4C. टोटल एनर्जी हो गई Q square by 8C multiplied by 2. कितना? Q square by 4C. और इनिशियल एनर्जी कितनी थी? 4. इनिशियल एनर्जी थी, सिर्फ एक ही में तो था ना, q स्क्वायर बाय 2c था, और दूसरे में कितना था, जीरो एनर्जी था, है ना? तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2c। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, टोटल फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी का हाफ? हाँ सर। देखो वैल्यू हमेशा लास्ट में डाला करो, टोटल फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इनिशियल बाय 2, तो कितना हो गया बोलो? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 क्या, जूल है, माइक्रो जूल है? जूल है, चार्ज है। ठीक है, 4 था ना इनिशियल एनर्जी? हाँ हाँ, 4 जूल था। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? 2 जूल। 2 जूल, तो कहाँ ये एनर्जी चला गया गुरु, वेयर डिड दिस एनर्जी गो? सर, उसको चार्ज करने में, एक कैपेसिटी को चार्ज करने में, जो हीट में चार्ज करने में जाएगी। हाँ, ये एनर्जी गया हीट में, समझे? दिस एनर्जी वेंट इनटू हीट इन द कनेक्टिंग वायर्स। आगे पढ़ोगे जब तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शन रहता है क्या? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है एक्चुअली, क्या हो रहा है, व्हेन करंट पासेस थ्रू, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। यस, करंट पासेस थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। आगे पढ़ोगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, यस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करेक्ट, करंट पासेस थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स, है ना? ये होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह काम। यस, हीट इज जनरेटेड, समझे? तो वो
मटेरियल पर ही डिपेंड करता है ना, मतलब ठीक है वो तो बाद में देखेंगे जब करंट में पढ़ाऊंगा ना तब समझना, ठीक है।